हाई एवरी वन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज शीनम कटारिया। एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, यूपीएससी एपीएफसी के बारे में, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। देखिए, उसमें एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि न्यूज़ में रहती हैं। उससे आप एपीएफसी में 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आपको एक ऐसा रिसोर्स बताती हूँ जहाँ पे आपको इकट्ठी मिल जाएंगी कि ये वाली सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स न्यूज़ में हैं, ये वाली स्कीम्स जो इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ स्कीम में हैं। अब देखिए, मिनिस्ट्री के बारे में आपको पता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की जितनी भी स्कीम्स आती हैं वो एपीएफसी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। बट आपको वो सारी स्कीम्स इकट्ठी कहीं पर मिल जाए, तो मैं यहाँ पर बात करूँगी विज़न आईएएस के फ्री मटेरियल के बारे में। इनका जो PT 365 आता है ना, उसमें क्या होता है, अलग अलग सेक्शन बने होते हैं। उसमें गवर्नमेंट स्कीम का सेक्शन होता है। उस गवर्नमेंट स्कीम के सेक्शन में अगर आप देखोगे तो जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्री की अलग अलग स्कीम्स होती हैं। वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जितनी भी स्कीम्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की, वो आपकी एपीएफसी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आप कोई भी इंस्टीट्यूट का मटीरियल ले सकते हैं। अब देखिए, जो बच्चे आईएएस की तैयारी करते हैं उन्हें तो पता होगा अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग मटीरियल निकलता है। जब यूपीएससी सीएससी का पेपर होता है ना, उससे पहले वो मटेरियल निकालते हैं फ्री। जैसे अब इनसाइट आईएएस का भी आता है, तो वो भी क्या करते हैं, अलग अलग सेक्शन का मटेरियल निकालते हैं, करंट का, गवर्नमेंट स्कीम्स अलग, पॉलिटी अलग, गवर्नेंस अलग। तो यहाँ पे अपने बात करेंगे विज़न आईएएस। आपको गूगल पे सर्च करना है विज़न आईएएस फ्री मटेरियल, तो आपके सामने खुल के आ जाएगा विज़न आईएएस रिसोर्सेज। आपको इस रिसोर्सेज पे क्लिक करना है, फिर आपको ये वाला पेज खुल जाएगा, आपको करंट अफेयर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज खुल जाएगा, आपको यहाँ पे PT 365 पे क्लिक करना है। जैसे ही आप PT 365 पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स दिख रही हैं। आपको यहाँ पे ये अपडेटेड होती हैं। अब जैसे 2023 में प्री होगा, उससे पहले भी PT 365 आएगा विज़न आईएएस का, तब भी गवर्नमेंट स्कीम्स का सेक्शन बना होगा, तो वहाँ पे आप अपडेट हो सकते हैं। वहाँ पे आपको क्या करना है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं आपको एपीएफसी के लिए करके जानी है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, अब देखिए, जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो गवर्नमेंट स्कीम्स को देखते होंगे, उन्हें पता भी होगा ये कौन सी मिनिस्ट्री की है, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, जिनको अच्छी नॉलेज होती है, और उन्हें ये भी पता होगा ये कौन सी चीज़ से रिलेटेड है, लेबर से रिलेटेड है, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। मेरी ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना ही है, जिनको नहीं पता है मैं सिर्फ उन्हें बता रही हूँ, मैं सिर्फ एक छोटी सी मदद कर रही हूँ। 90% अगर लोगों को पता होगा तो 10% को नहीं भी पता होगा ना। तो यहाँ पे देखिए, आप गवर्नमेंट स्कीम्स कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट सेकंड पे आप क्लिक करें। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अलग अलग मिनिस्ट्री की अलग अलग स्कीम्स होंगी। तो यहाँ पे आप देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे कितनी सारी स्कीम्स हैं, ये आपको एपीएफसी के लिए पढ़ के जानी है। सिंपल, आपको सारी मिल गई ना, यहाँ पे लेबर से रिलेटेड, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, और आपको पता चल गया कि ये न्यूज़ में है, और इससे क्वेश्चन आ सकता है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना बहुत ही महत्वपूर्ण, नेशनल चाइल्ड लेबर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, दीनदयाल उपाध्याय प्रधानमंत्री रोजगार, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, नेशनल करियर सर्विस, तो ये आपको करना है। और भी इंस्टीट्यूट क्या आता है फ्री मटेरियल, जैसे मैंने इनसाइड का बोला, और भी इंस्टीट्यूट है, आप यहाँ पे विज़न आईएएस का भी कर सकते हैं। और ये जो है एपीएफसी, और जो एएलसी की तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, उनके लिए भी है, वो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बोलती हूँ, आपको क्या करना है ना, अगर आपको चाहिए कि आपको पता हो कि कौन सी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, अलग अलग पता हो, मतलब कि जैसे अब अटल पेंशन योजना भी एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, बट यहाँ पे नहीं लिखी हुई ना, क्योंकि वो करंट में नहीं होगी, तो यहाँ पे नहीं लिखी होगी। मतलब मेरे कहने का मतलब है, जैसे आई मीन टू से कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और भी हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी और भी ज़्यादा हैं, तो मैं आपको अलग से लिस्ट भी बना दूँगी। ओके, तो आप मेरे को बताना, तो अपने करेंगे, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे जो मिसलेनियस भी हैं इसमें वो आ जाता है, ईश्रम पोर्टल आ जाता है, डीजी सक्षम आ जाता है। डीजी सक्षम किसका इनिशिएटिव था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का इनिशिएटिव था विद माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। तो यहाँ पे आपको ऐसे करनी है। बाकी आप नीचे मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अगर चाहिए कि अलग से एक लिस्ट हो जिसमें आपको पता हो ये सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, चाहे वो न्यूज़ में है चाहे वो न्यूज़ में नहीं है। ओके,
और बाकी मेरे चैनल पे इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी के एमसीक्यू चल रहे हैं। हफ्ते में 3 बार क्लास आती है, उसकी फ्री पीडीएफ भी आपको दी जाएगी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हैं। 15 के करीब वहाँ पे क्वेश्चन होंगे, आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल यूपीएससी लेवल के एमसीक्यू आपको वहाँ पे करवाई जा रही हैं। 14 के 14 पार्ट मैंने अपलोड भी कर दिए हैं, 14 पार्ट आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।